पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा राजेश। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। एमपी राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का समापन हुआ है, लेकिन तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी। भाजपा में मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रही तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी छीन लिया गया। अब इस झटके से उबर कर कांग्रेस जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रही है। खबर यह है कि कांग्रेस इस बार आरएसएस के गढ़ नागपुर से लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान की शुरुआत करेगी। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को लेकर विपक्षी नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को विपक्षी दलों के सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने उन पर निशाना साधा है। ये सुरक्षा चूक एक बिल्डिंग की नहीं हुई है, संसद है क्या साहब? मेरे घर की तरह का सिर्फ एक इमारत तो नहीं है ना, वहां देश के चुने हुए प्रतिनिधि है, देश के सरोकारों की बात होती है। और मैंने कल भी कहा कि जो संसद की सुरक्षा पर आकर के सामने बयान नहीं दे सकते, उनसे हम गलवान पे क्या उम्मीद करें साहब? देश की सुरक्षा कर, मतलब अनुराग सिंह ठाकुर जी, आप राजनीति करिए, लेकिन इस दर्जे की राजनीति, कुछ भी बोल देना है, मतलब लंबा भविष्य है आपका। इस तरह के बयानों से बचिए। विपक्ष को जहां मंथन करना है वो करेगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, इस तरह की चूक पर एक छोटी सी बात आपकी पार्टी को करनी है। गृहमंत्री को आना है, जवाब देना है दोनों सदनों में। अगर उतने को ढकने के लिए आप जैसों को उतार दिया गया है तो भगवान मालिक। सर अमित शाह जी इस पूरे मसले पर बयान दे। अमित शाह जी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बातें कही है जो संसद सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहूं, एक परंपरा रही है इस देश की, पहले हम पहली सरकार से लेकर के अब तक, जब संसद सत्र चल रहा हो तो संसद में बयान दिया जाता है। इस तरह के कम से कम गंभीर मसलों पर आप पॉलिटिकल बयान देते हैं कि मैंने फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया, चिलाने को चांप दिया, उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म कर दी, मध्य प्रदेश में हमने नए वाले को बना दिया, उन सब के लिए। लेकिन ये जो सबके पूरे देश का विषय है, आप एक किसी चैनल में जाकर के बात रखते हैं और आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए। कभी तक का एक रवायत रही है, संसद जब सत्र में होता है ना तो गृह मंत्री या किसी भी मंत्री को बाहर बोलने की बजाय सदन के अंदर आकर के पटल पर अपनी बात रखनी होती है। लेकिन आपसे और आप लोगों से संसदीय परंपराओं को अक्षुण्ण रखने की उम्मीद रखना मैं समझता हूं कि नाजायज है। उन्होंने तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान, उस खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके नेताओं की एक्टिविटीज को लेकर के भी सवाल खड़ा कर दिया कि जो भारत विरोधी तत्व है वो कनाडा में क्या कर रहे हैं। मैं तो सीधी बात एक बात कहना चाहता हूं, जयशंकर जी ने इस पर काफी कुछ बोला, पक्ष विपक्ष में इसमें कोई फर्क नहीं है। अब उनकी मिनिस्ट्री का भी काम ले लिया है क्या इन्होंने? मैंने जयशंकर जी को उनका मंत्रालय रहने दीजिए साहब, अगले रिशफल में ले लीजिएगा। सर जो ब्रीच हुई सुरक्षा, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, कितने आप लोग? देखिए मुझको लगता है ना कि आपने सबसे पहले यह था सदन को विश्वास में लेना, वहां चूक गए आप, नंबर एक। नंबर दो, कम से कम मैं गवाह हूं अपने दल की ओर से। मैंने प्रथम दिन जब हम इस बिल्डिंग में आए थे, शायद वो दिन था पहला या दूसरा दिन जब वुमेन रिजर्वेशन बिल हो रहा था, गुजरात महाराष्ट्र से कुछ महिलाएं मोदी मोदी, मैंने कहा था ये परंपरा उचित नहीं है। कल को मैं ही स्पॉन्सर कर दूं या कोई और विपक्ष के लोग कर दें स्पॉन्सर, वहां से मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो। अगर आप देखें, और तब भी मैंने ये कहा था कोई कुछ फेंक भी सकता है, अगर आप देखें तो फ्लोर से उस गैलरी की हाइट कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये संरचनात्मक मुद्दे भी हैं इस नए भवन को लेकर के। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जल्दबाजी थी, जल्दबाजी इस वजह थी कि नाम पट्टिका लग जाए जल्दी से, उस पर मेरा नाम गढ़ा चला जाए, आने वाले चीज लोग याद करें कि साहब इन्होंने ये बनाया था। इस तरह की प्रवृत्तियां ठीक नहीं है।
तो मेरा मानना है कि सदन को भरोसे में लेना, देश को भरोसे में लेना। सदन क्या देश का प्रतिनिधित्व करता है, वो आवश्यक था सर। लेकिन इसमें लोग कह रहे हैं कि अगर जो विजिटर पास है यही किसी विपक्ष के एमपी द्वारा ये पास जारी किया गया होता और इस तरह की घटना होती उनके पास पर आए हुए गेस्ट की, तो क्या सरकार इस उन्हें कौन कह रहे हैं पता नहीं। हमारे एक साथी हैं सीबीएम के, जॉन बिटास, घटना होते ही उन्होंने कहा मनोज अगर हम या तुम होते ये पास इशू करने वाले तो हम पर यूएपीए लग गया होता। कहीं उनकी चर्चा भी हो रही है, खारिज करने की कोशिश हो रही है जैसे उनका कोई रोल ही ना हो। मैं मानता हूं एमपी को बहुत तरह की चीज फिल्टर करना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम चीजों को पब्लिक डोमेन में तो रखना होगा, उस पर कुंडली मार के बैठने से बात नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को लेकर मंजूरी दे दी, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार रोधी लोकायुक्त के दायरे में लाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र विधानसभा ने पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक को मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आबकार विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान जब टीम ने जांच के लिए हैंडपंप चलाया तो जमीन के अंदर से पानी की जगह कच्ची शराब निकलने लगी। छापेमारी कर रही टीम ने मौके से 1750 लीटर कच्ची शराब बरामद की। मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मास्टरमाइंड दलीप मोहन झा के बड़े भाई शंभू झा ने कहा कि इस घटना में ललित की संलिप्तता पर पूरा परिवार हैरान है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो एक ऐसा कर सकता है। वहीं हम आपको बता दें, ललित गुरुवार की शाम हमीश नाम की व्यक्ति के साथ नई दिल्ली के एक थाने पहुंचा था, जहां उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर स्पेशल सेल को सौंप दिया था। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी कुछ भी इस तरह की? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेबे नहीं करते हैं, तब तो मोबाइल चल गया उसमें बहुत कुछ दिखाता है, तो अलग बात। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। कल पता चला मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। आप भी कोलकाता में रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। आप क्या करते हैं? पंडित हैं, पंडिताय करते हैं। कहाँ जाएंगे जो हमारा सोना बेटा है, उनको कुछ समझ में नहीं आते है। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया है, खून मिलाने आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं, 3 बार खून दान कर लिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ टेंशन नहीं हुआ, सबसे प्रेम जुड़ता है, हरदम उन्हीं है, मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगे, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है इसके बारे में जाएंगे? और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना बिल्कुल नहीं है, नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है, से पूछ लीजिए, चाहे हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू। सुप्रीम कोर्ट ने केशवर क्वेरी मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी की नेता मोवा मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले को रखा गया, इसके बाद इसे जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शपथ लेने के बाद से ही बेहद एक्टिव हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद में मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगी लोहे की कांटेदार बाड़ हटवा दी थी
और सीएम आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया। वहीं अब उनकी सरकार खर्चों में कटौती कर राज्य के पैसे बचाने और बजट को घाटे से उबारने के लिए कोशिश में लग गई है। अब कोई नया वाहन नहीं, मुख्यमंत्री आवास के लिए कोई नई इमारत नहीं, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे पर कोई अनावश्यक खर्च नहीं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने ये फैसले लिए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान का औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान हैतम बिन तारिक गार्ड को ऑफ ऑनर दिया गया। ये ओमान के सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा है। ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। राम मंदिर में रामलला विराजने के लिए तैयार है। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, इसलिए दिन में पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। खास बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। भगवान रामलला के मंदिर के साथ साथ पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। ये अयोध्या जी में हमेशा से सुरक्षा के लिए विशेष संवेदनशीलता रखी जाती है और हम लोग इसमें सभी संभव आयामों का हमने समावेश किया हुआ है और हम लोग लगातार सतर्क हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हुई हैं। न सिर्फ मानव गत आधार पर, यानी कि हम जितने हमारा मैन पावर रिसोर्सेज है उसको, बल्कि हमने टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस को भी इसमें समावेश लगातार किया है और उसको लगातार अपग्रेड करते चले जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो संत महात्मा है उनसे और अन्य जो भी एक्टर्स हैं उन सबसे संवाद हमारा लगातार है। देखिए, यातायात हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य यह रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की कोई किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहां पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डायवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को एक किसी तरीके के अपने डायवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। इसमें हमने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नजर होगी। हमारे कई ड्रोन लगातार इसमें एक्टिवेट रहेंगे, साथ साथ एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम ये अवैधानिक रूप से चलाने वाले ड्रोनों पर भी सतर्क दृष्टि बनाकर रखेंगे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग अपने कैमरों के माध्यम से किया हुआ है, जहां पर हम पहले से कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को हम नजर रख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिवराइज सिक्योरिटी में भी हमने इसी तरीके के मॉडर्नाइजेशन किए हैं, कुछ बोट्स के माध्यम से अपनी सरयू जी की पूरी तरह से लगातार एक सुरक्षा उसमें बना के रखना, जो हमारा गोंडा का बॉर्डर है उस पर देखना और साथ साथ में जितने भी लोग नाव पर हैं उन पर भी एक सतर्क दृष्टि बना करके रखना। और उसमें सबसे पहली बात इसमें यह भी है कि जो हमारे श्रद्धालु और तीर्थयात्री, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो इसका एक समन्वय हम लोगों ने इसमें किया हुआ। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कुछ दिनों से AQI में गिरावट आई, लेकिन आज फिर से राजधानी का AQI 420 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के 5 इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक पहुंच गया है। इनमें शादीपुर और जहांगीरपुरी सबसे ऊपर है। वहीं NCR में भी हालत बेकाबू है। गाजियाबाद और नोएडा की हवा बेहद खतरनाक है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।